आज के लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल के पीपीएससी की तरफ से एक बार फिर बड़े पैमाने पर जॉब्स के जो है अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं मेल फीमेल के लिए, उसकी तमाम तर तफसीलात और अप्लाई का तमाम प्रोसीजर्स वो जो है हम आपके इसी वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो है आप तक पहुंच सकें। जी हाँ, पीपीएससी की तरफ से एड नंबर 2 जो है ये आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं, एड नंबर 2 2022, उसमें जो है मुख्तलफ कैटेगरीज की जॉब्स जो है उसकी अनाउंसमेंट की गई और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें लेक्चरर फीमेल BBS 17 स्केल, वहां पे हमें चार चीजें मिलेंगी, तीन सब्जेक्ट्स, एक बायोलॉजी फीमेल जहाँ पे 79 सीट्स हैं, और इकोनॉमिक्स के लिए 139 सीट्स, और फिजियोलॉजी के लिए 134 सीट्स। सो फीमेल कैटेगरी में बायोलॉजी के लिए 79, इकोनॉमिक्स के लिए 139 और फिजियोलॉजी के लिए 134 पोस्ट। इस तरह इनकी तालीम जो है मास्टर रखी गई है, एज की लिमिट क्या है 21 से 38 साल। आइए हम चलते हैं दूसरी तरफ, जो लेक्चरर मेल सीट्स हैं BA 17, वहां पे एजुकेशन जो है उसके डिपार्टमेंट के लिए 33 सीट्स, हिस्ट्री के लिए 20 सीटें और इस्लामियात के लिए 75 सीट्स और फिजिकल एजुकेशन के लिए 51 सीट्स। और इसके लिए भी एजुकेशन मास्टर रखी गई है और 21 to 35 एज की रिलैक्सेशन एज है, मेल के लिए कम है और फीमेल के लिए ज्यादा है। स्टेनोग्राफर, जी हाँ, उसके लिए BS 15 स्केल 35 पोस्ट जो है वो बताई गई है, और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और जो है जनाब यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वो 18 to 32 मेल और फीमेल की 18 to 35। ये है हमारे पास जो है वो तमाम सिनेरियो जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें फिजिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट में 51 सीटें हैं, और वहां पे हमारे पास जो है तालीम मास्टर रखी गई है और एज जो है 21 to 35। स्टेनोग्राफर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर जो कि बी आप स्क्रीन पर तमाम जो है देख भी रहे हैं, उनकी तमाम की डिस्कस जो है कर रहा हूँ तफसीलात। इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर BS 14 स्केल के लिए जो है 12 सीटें मुस्तक की गई हैं, और डिप्लोमा उनमें एसोसिएट इंजीनियरिंग में आपको चाहिए, एज जो है 18 से 32, फीमेल के लिए 18 से 35। इसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर सब इंजीनियर जो होता है BS 14 उसके लिए 65 सीटें हैं, एजुकेशन 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल टेक्नोलॉजी, और इसमें मेल जो है उसकी एज 18 से 35, फीमेल की 18 से 38। तो लास्ट डेट अप्लाई की क्या बताई गई है 14 मार्च 2022। तो आप ये तमाम तफसीलात अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो सामने देख भी रहे हैं, आपके सामने एड जो है वो शो हो भी रहा है, और मैं उसकी तमाम तफसीलात जो है आपको पढ़ के बता भी रहा हूँ, और इसके साथ साथ जो है हम आपको जो इंफॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड वो बता रहे हैं। सो बायोलॉजी के बारे में हमने बात कर ली, इकोनॉमिक्स के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में बात कर ली। तो यहाँ पे सिलेबस तो आपको पता वही है, 80% जो है आपका सब्जेक्ट और 20% जनरल नॉलेज करंट अफेयर से आपका जो है पेपर सॉल्व होगा। इसके साथ साथ जो है लेक्चर मेल की बात कर लें, एजुकेशन हिस्ट्री इस्लामिया फिजिकल एजुकेशन, उनकी तमाम तफसीलात आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही हैं, और उनमें जो है कुछ इनकी जो मेल कैटेगरी यहाँ पे और फीमेल में मिनॉरिटी कोटा की भी सीट रखी गई है, स्पेशल पर्सन कोटा की भी जो है वो सीट मुख्तस की गई है। मास्टर डिग्री में थर्ड डिवीजन वाला जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता, और सेकंड डिवीजन के लिए जो इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह स्टेनोग्राफर के लिए भी है और इलेक्ट्रिक के लिए भी, आप जो है वीडियो की अपनी इस वीडियो में स्क्रीन पर तमाम तफसीलात जो है वो देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने है, उनको मैं तमाम तफसीलात आपको शो भी कर रहा हूँ। और इसका अप्लाई का जो मेन चीज है लिंक, द बिगेस्ट थिंग टू विच इज नीडेड, तो वो हम जो है जनाब वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें जो है लिंक हम रखेंगे, आपने वो लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा, और इजीली जिसके जरिए आप जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकेंगे, आपको किसी और लिंक के ऊपर या वेबसाइट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे लिंक प्रेजेंट होगा, आपने जस्ट उसको क्लिक करना होगा, आप इजीली जो है अप्लाई जो है वो कर सकेंगे। सो ये हमारे पास तमाम तफसीलात थी जो है पीपीएससी की तरफ से बिग
अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट्स जो कि वेट कर रहे थे, क्योंकि पीपीएससी में बहरहाल जॉब्स दो दफा पहले भी अनाउंस कर चुके हैं, 2020 में भी, अभी रिसेंटली हाल ही में पीपीएससी अनाउंसमेंट की है। जैसे जैसे पीपीएससी के पास जो है वो सीट्स एम्प्टी हो रही हैं, पीपीएससी अप्लाई कर रहा है, और हम अपने इस चैनल एजुकेशन न्यूज़ चैनल के ऊपर जो है तमाम तफसीलात जो है उनको बताते जा रहे हैं और तमाम आपको जो है प्रोसीजर। अब मेन चीज़ प्रिपरेशन की रहेगी, तो इसकी जो पैटर्न होगा वो आपका 80% जो होगा सब्जेक्ट्स होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर किसी स्टूडेंट ने बायोलॉजी में अप्लाई किया हुआ है तो उसका 100 नंबर का पेपर होगा और उसमें 80% जो है वो बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। आप उसके लिए जो है एफएससी की बुक्स जो है वो बहुत मैटर करती हैं। एफएससी की बुक्स जिसको उसके ऊपर कॉन्फिडेंट है, उसके ऊपर अबूर है, वो जो है टेस्ट के लिए अच्छे तरीके से क्लेरिफाई कर जाता है। और इसके साथ 20% जो है वो जनरल नॉलेज जो कि आपका करंट अफेयर्स या आप समझ लेंगे उसमें से जो है जनरल करंट अफेयर या आप उसमें हिस्ट्रीज के बारे में, पाकिस्तान की हिस्ट्रीज, इंडिया पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट, कायदे आजम, अलामा इकबाल की हिस्ट्री के मुताबिक, इस तरह के जो है नोबल प्राइज किसका जो है किस कंट्री में, जैसे लिटरेचर के ऊपर किसको, जैसे पीपीएससी में लास्ट क्वेश्चन। सो इससे रिलेटेड मेरी जो 2020 का था पीपीएससी स्पेशली जो बॉटनी सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने उसकी जो वीडियो अपलोड की हुई है उसमें तमाम एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व मैंने जो है अपनी ही सी चैनल के ऊपर जो है उसको अपलोड किया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सो इस तरह के जनरल क्वेश्चन जो है नॉलेज के क्वेश्चन वो भी आते हैं। ओवरऑल अगर आप जो सक्सेस के लिए आपको जनरल नॉलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, दैट्स व्हाई जनरल नॉलेज पे भी कैंडिडेट्स को जो है वो नजर करना चाहिए। और इसके साथ साथ 80% पेपर आपका सब्जेक्ट्स में से होगा। तो ये हमारे पास तमाम तफसीलात हैं पीपीएससी की तरफ से, एक बार फिर जो है बड़े पैमाने पर सीटें अनाउंस की गई हैं, हम इसकी तफसीलात दोबारा बताते जाएं आपको, स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। बायोलॉजी की 70 सीटें हैं मेल का फीमेल कैटेगरी में, इकोनॉमिक्स की 125 सीटें ऊपर मेरिट, फिजियोलॉजी की 120, और इसके साथ साथ मेल कैटेगरी एजुकेशन डिपार्टमेंट 29, हिस्ट्री के लिए 3, इस्लामिया 72 सीट्स और फिजिकल एजुकेशन 45 सीट्स। सो इस तरह साथ साथ सीनोग्राफर्स और इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर जो है इनकी सीटें जो हैं वो भी अनाउंस की गई हैं। सो ये हमारे पास वो कुछ सीट्स का जो है वो क्राइटेरिया था जिसको हम जो है यहाँ पे आपके सामने उसको डिस्कस जो है वो कर रहे हैं। सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक होगा आप पीपीएससी का, वहाँ पे आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप जो है इजीली देख सकें। अपने इसी चैनल के ऊपर, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम वीडियोस जो हैं आपके अपनी एजुकेशन, लिटरेचर, हिस्ट्री स्टडी, न्यूज़, लेक्चर्स, तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिल सकेगी। थैंक यू।